अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और रिगार्डिंग द वाइट फ्लाइज, थ्रिप्स और तमाम फ्लाइंग इंसेक्ट्स के हवाले से। अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमें इन पेस्ट को ख़त्म करने के लिए बार बार स्प्रे करना पड़ता है। इनफैक्ट मेरी अपनी एक्सरसाइज खुद की है कि मैं हर 5 to 7 days बाद मैं नीम स्प्रे करता हूँ और उनको काउंटर करने के लिए, या एक तरह समझ लें आप उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके बचाव की खातिर, उनसे बचाव की खातिर तो मैं ये स्प्रे यूज़ करता हूँ, और ताकि ये वाइट फ्लाइज, थ्रिप्स, माइट्स और दूसरे जो ख़तरनाक इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट्स हैं, जो प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, उनको काउंटर करने के लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर मुझे एक मेरे बहुत ही करीबी अजीज़, जिसे हर दिल अजीज़ कहूँ तो कम ना होगा, उन्होंने मुझे बाहर से एक बहुत ही अच्छी चीज़ भेजी थी। भेजी तो खैर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, लेकिन उसमें जो मुझे फेवरेट मेरी चीज़ थी वो थी स्टिकी ट्रैप्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप ये है स्टिकी ट्रैप। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसका फ़ायदा यही होता है कि हम जो स्प्रे यूज़ कर रहे होते हैं फ्लाइंग इंसेक्ट्स के हवाले से, वो इस ये स्टिकी ट्रैप जो है उसको तकरीबन 80-90% तक जो है ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि इस येलो स्टिकी ट्रैप्स में, अच्छा, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिकी ट्रैप्स ना, येलो और ब्लू, लेकिन जो मोस्ट अट्रैक्टिव है फ्लाइंग इंसेक्ट्स के हवाले से वो येलो स्टिकी ट्रैप्स है, जिससे फ्लाइंग इंसेक्ट्स काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं और वो आके फौरन इस पर चिपक जाती है। अब आप ये देखें कि इस स्टिकी ट्रैप पे थ्रिप्स भी चिपका हुआ है, इस पर वाइट फ्लाई भी चिपकी हुई नज़र आ रही है, इस पर हाउस फ्लाइज भी हैं, इस पर फंगस गनेट भी एक बैठा हुआ है जो चिपका हुआ है। अब आप ये देखें ये कितना फ़ायदेमंद है, और ये मेरे जो इतने हेल्दी प्लांट्स हैं माशाल्लाह से, ये मेरे कद से भी ऊंचा हो गया, जो वो जले थे उनमें से ये एक है, और भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह जो अब हेल्दी हो गए हैं और दे आर परफॉर्मिंग एक्सलेंट नाउ। और अब इनको मैं फीड भी, फ्लावरिंग की फीड देना स्टार्ट किए थे, ताकि ये अब ये देख रहे हैं बर्ड्स और फ्लावर्स लगना शुरू हुए इन पर। इंसेक्ट से बचेंगे आप डेंजरस और हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह से, तो उतनी ही आपकी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की। तो बहरहाल, तो ये देखें स्टिकी ट्रैप, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मोस्टली आपको ग्रीन हाउसेस में, इंटरनेशनल ग्रीन हाउसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लोकल में भी, यहाँ पे भी एक ही मुझे पाकिस्तान में ज़रा आया था जो बड़ा ग्रीन हाउस है, वही लोग यूज़ कर रहे हैं ये। और इस तरह से आप देखें दूसरे, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप ये भी देखें इसमें कितने चिपके हुए हैं, और इसी तरह और भी हैं, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये दूसरा किस्म है, ये स्मॉल स्टिकी ट्रैप्स हैं, ये देख रहे हैं आप, देखें आप इसमें, और ये देखें बेसिकली मुझे इसमें जो ये नज़र आ रहा है, ये जो है, ये जो ग्रीन रंग कलर की आपको फ्लाई नज़र आ रही है, जो मैं जो अभी जो जूम, एक मिनट में जूम कर रहा हूँ, ये देखें इसको, इसके अंदर ये जो ग्रीन फ्लाई है बेसिकली ये प्रीडेटर इंसेक्ट है, ये प्रीडेटर इंसेक्ट है, ये एफिड्स वगैरह को मार के खाती है इसको, और ये बेचारी ये भी चिपकी गई, घुन के साथ गेहूँ भी पिस गया। तो लेकिन बहरहाल स्टिकी ट्रैप इज़ मच बेटर दैन अदर, ऑब्वियसली अदर पेस्टिसाइड्स या स्प्रेस। तो बहरहाल ये है इसके सामने, आपके सामने आपको दिखाऊं, इसमें भी देखें आप कितने ढेर सारे इस पर चिपके हुए, इसमें तो वाइट फ्लाइज भी काफ़ी हैं, और इसमें थ्रिप्स वगैरह भी काफ़ी हैं, और ये 2 दिन की कार्रवाई है इसमें। देखें ना, हाउस फ्लाइज जिसने मैगट्स परेशान किया, हाउस फ्लाइज से भी मैगट्स बनते हैं और ये होते हैं, ये देख रहे हैं सब चिपके हुए। तो बेसिकली ये बहुत डेंजरस होती हैं, फंगस गनेट्स वगैरह भी, ये देख रहे हैं ये भी चिपके हुए इसमें काफ़ी। आपको अगर नज़र आ रहे हो तो पता नहीं नज़र आ रहे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मेरे सामने सूरज है, मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह ये देखें इस पर मकड़ी भी चिपकी हुई है, सी ये देख रहे हैं, मक्खी अभी ज़िंदा है, और ये मकड़ी जो है इसको खाने के चक्कर में आई और ये खुद भी मारी गई, देख रहे हैं। अब ये ना मकड़ी निकल सकती है
और ना मक्खी, मक्खी अभी जिंदा है और मकड़ी साहब आज कूदी थी इसको खाने के चक्कर में, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अब ना मकड़ी हिल सकती है और ना मक्खी हिल सकती है, इसीलिए दोनों तो हो गए काम पूरा इनका। अच्छा, ये दोनों साइड से चिपकी हुई हैं, मतलब ये है कि आगे से भी ये होता है और पीछे से भी। इसको मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी चिपकी हुई हैं। सी इस पे देखें आप, इस पे वाइट फ्लाइज भी नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये देखें आप, ये बैक साइड है इसकी और बैक साइड पे तो काफ़ी मोटी मोटी चिपकी हुई है। ये मेरा देख रहे हैं पर्दे में। बहरहाल ये बेहतरीन। तो अब मैं आपको बताऊं इसका इसका जो है तरीका क्या है। अच्छा, इसके अंदर ये तो मुझे मेरे एक बेइंतहा बेहतरीन और हलदिल अज़ीज़ ने मुझे लास्ट ईयर सेंड किया था, और मैंने सोचा था कि जब तक मेरे पास कोई एक अच्छा बेहतरीन सेटअप नहीं हो जाएगा, प्रॉपर सेटअप, तो जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, यूटिलाइज़ नहीं करूँगा। अब खैर बहरहाल अब तो काफ़ी चीज़ें सेट हो गई थी, तो मैंने कहा तो उसको मैं यूज़ करूँ भी, मैंने पूरे यूज़ नहीं किए, समझ लें 20% यूज़ करें भी 80% रह गए, और वो 80% इंशाल्लाह मैं अनकरीब मैं यूज़ करूँगा एक नई जगह पे, और वो आपको दिखाऊंगा कि मेरी नई जगह कहाँ है और क्या है। और दुआ करें मैं उस पर लगा हुआ हूँ, इसीलिए आजकल थोड़ा बिज़ी भी हूँ, और आप लोगों की सबकी दुआएं चाहिए मुझे कि प्लीज़ मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कामयाब करे, खैर आफत के साथ सारी चीज़ें हो जाएं। तो ये एक जगह मैंने पढ़ा इसके बारे में, सीकी ट्रैप्स के बारे में, तो इसको हम ख़ुद भी बना सकते हैं, मतलब एज सच इस तरह इतना पावरफुल तो नहीं जिस तरह ये पावरफुल है, लेकिन बहरहाल ऐसा बना सकते हैं कि जितना उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और छोटे मोटे जो हैं वो काफ़ी चीज़ें इसको स्टक हो जाएं और वो मर जाएं। इसमें क्या करें आप कि एक येलो कार्डबोर्ड शीट ले लें आप, ठीक है, इसी तरह की येलो कार्डबोर्ड शीट ले के आप उसको कट करें, ठीक है, आप तकरीबन अराउंड 8 इंचेस बाय 4 इंचेस या जितना भी आप बड़ा चाह रहे हैं बनाने के लिए, और साइड में इसी पंचिंग मशीन से, पंचिंग होल मशीन से आप पंच कर दें ताकि ये बांधने के काम आ सके, इस तरह जैसे मैंने बांधा हुआ है। और ये 1 इंची दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट आप दोनों साइड से छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद क्या करें आप इसको काट के, या पेपर कार्डबोर्ड पेपर कट कर लें आप येलो का, बिल्कुल इसी तरह येलो शाइनी, क्योंकि इसी पे अट्रैक्ट करते हैं जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, वो खुद ब खुद उसको ये कलर, उनको ये कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे आके चुपक जाते हैं। तो बेसिकली आप उसको जब आप काट लें इस येलो स्टिकी ट्रैप को तो बनाने के लिए, तो आप उसको क्या करें, जब कट करने के लिए बाद पंचिंग होल कर लें तो पेट्रोलियम जेली एक मार्केट में मिलती है, कोई चीप वाली ख़रीद लीजिएगा और उसको पूरी अच्छी तरह से फैला के ना इसको मल दीजिएगा दोनों साइडों पे। तो पेट्रोलियम जेली जो है अच्छा तरह से, अगर आप अच्छी तरह से लेप देंगे उसको, तो वो एज अ स्टिकी ट्रैप काम करेगी, और आप उसको फिर आप यूटिलाइज़ करें और अपने गार्डन में लगाएं, और उसको यूज़ करने के बाद, गार्डन में लगाने के बाद, और उसका मुझे रिजल्ट बताएं मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज़ आप ये कीजिएगा, मैंने इनफैक्ट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा, और आई एम 120% श्योर कि ये बहुत अच्छा रहेगा और बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और आप ये करें। और ये स्टिकी ट्रैप्स होने चाहिए हर ग्रीन हाउस में, हर किचन गार्डन में, ताकि कम से कम आप फ्लाइंग इंसेक्ट से बच सकें और आपको परेशानी ना हो, बार बार स्प्रे करने की भी परेशानी ना हो। मेरी कोशिश रहेगी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको से शेयर करता रहूँ, और कोई अच्छी बातें आपके पास हों तो आप भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मेरे प्लांट्स के लिए भी, और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके सारे पौधों को, फ्रूट्स को, सबको, हर किसी की अच्छी बुरी नज़र से बचाए, और हमेशा हेल्दी रहें आपके प्लांट्स भी। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।